निफ्टी की लंबी छलांग और सेंसेक्स का नया रिकॉर्ड। बीते हफ्ते शेयर मार्केट्स में जबरदस्त माहौल देखने को मिला। इंडियन इन्वेस्टर्स ने जमकर सेलिब्रेट किया बाजार का नया लाइफ टाइम हाई। लेकिन वजह क्या रही, बताते हैं मार्केट रैप में। ये है आपका हफ्ता रिकैप। वह सबसे बड़ी वजह रही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ने बाजारों को मूव किया और ऐसे कई बड़े ट्रिगर्स रहे जिन्होंने निवेशकों को खुश होने का मौका दिया। कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है, बैंकों का एनपीए घटा है, ब्याज से कमाई बढ़ी है। ऐसे ट्रिगर्स से बाजार में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। एनएससी निफ्टी इस बीते हफ्ते 19,100 के ऊपर अपने नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है और बीएसई सेंसेक्स ने भी 64,400 के ऊपर का लेवल छू लिया। DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों का बाजार में फ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है। FIIs के मुकाबले इन पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिख रही है मार्केट की फिलहाल, तो ये भी एक पॉजिटिव एंगल निकल कर आया है। नाउ कमिंग टू ग्लोबल मार्केट्स, US फेड की ओर से ब्याज दरों में हाइक के इंडिकेशन दिए गए हैं। साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। ब्याज दरों में हाइक की आशंका को देखते हुए डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते की ऊंचाई पर 103 के ऊपर निकला है। 10 साल का बॉन्ड यील्ड भी 3 महीने की ऊंचाई पर 3.8% के ऊपर है। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड अभी संभला सा दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ने और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच गोल्ड 3.5 महीने के निचले स्तर $1900 से संभलकर $1915 के पास आया है और सिल्वर 1% फिसलकर $22.5 के आसपास चल रहा है। क्रूड में फ्लैट ट्रेडिंग दिखी है। ये थे बीते हफ्ते के ट्रिगर्स। अब नेक्स्ट वीक नजर रहेगी GST कलेक्शन के डेटा और ऑटो सेल्स के नंबर्स पर, और साथ ही US फेड का ब्याज दरों में हाइक का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए देखते रहें Zee Business।